नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। सबसे पहले ज्ञानव्यापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, बड़ी खबर आपको बता दें। एसआई सर्वे को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी में एसआई पर सर्वे को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष याचिका खारिज कर दी गई है। ज्ञानव्यापी में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, तो ज्ञानव्यापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इस वक्त की बड़ी खबर। एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, यानी सर्वे एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं रहेगी, नहीं है, परंतु एक न्यायालय किसी निर्णय को देने से पहले उस और इसमें अगर उस आधार पे बातें आती हैं न्यायालय के पास और एविडेंस कलेक्ट होता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिना सच्चाई को सामने लाए माननीय न्यायालय कैसे निर्णय देगा। हाईकोर्ट ने भी बुलाया था एएसआई के लोगों को अपने, जी क्या उसमें एएसआई लोग आए थे, के लोग आए थे, उसके डिप्टी डायरेक्टर आए थे, उन्होंने वहाँ पे शपथ पत्र दिया और उसमें विधिवत बताया कि मैं इसको एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा और इसमें राडार पेनेट्रेटिंग, कार्बन डेटिंग की जो बातें थी उसको भी आधार बनाएंगे और इसमें साथ साथ पूरी तरह से एक्सरे पद्धति, स्टाइलिस्ट डेटिंग, ये सारे मेथड को इस्तेमाल करके आर्कियोलॉजी सर्वे इस पर अच्छा सा रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए हम लोग इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हैं, बहुत। जी उनकी प्रवृत्तियों को हम लोग जानते हैं, वो जाके अवश्य ही हाई कोर्ट में इस आर्कियोलॉजी सर्वे को भी मीन मेक निकालेंगे, चुनौती देंगे, तो उसकी भी तैयारी हमारी तरह है। और यहाँ ही नहीं, ये जो निर्णय देने के आर्कियोलॉजी का भी जो अवधि मिली इसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने की पूरी तैयारी कर ली। अपने को ठोक बजा के कील कांटे दुरुस्त करके सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी थी कि यदि आज निर्णय हाई कोर्ट में हमारे पक्ष में नहीं आ रहा तो अवश्य ही हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। परंतु माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये बड़ा काम किया है, इसलिए हमारे लिए अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय। कानूनी रूप से बताइए कि क्या अभी मुस्लिम पक्ष की, अभी सिंगल बेंच का फैसला है, जी जी सिंगल बेंच का हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें चीफ जस्टिस का, जी जी, तो क्या अभी डबल बेंच में जाने का है। जी ये इनकी जो लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति है, इसके तहत ये कहेंगे एक सदस्य है बेंच, उसने कहा है तो मैं बातें नहीं मानूंगा, ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, व्यापक स्तर पे निर्णय नहीं, तो वो और सदस्य बेंच के लिए आग्रह कर सकते हैं। माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही आज ये निर्णय आया हुआ है, तो वहाँ भी ये चुनौती देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे साथी जानते हैं, तो इसलिए उनको पूरी तरह से वहाँ पर चुनौती देने की व्यवस्था की गई। और देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कम्प्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था, जी उस एफिडेविट के कम्प्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का। तो ये बड़ी जानकारी, ज्ञानव्यापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई सर्वे को हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं, सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, सर्वे पर जो रोक यहां पर लगी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो रोक हटा दी है और अब यानी कि एएसआई सर्वे एक बार फिर शुरू हो जाएगा और रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर दी जाएगी कोर्ट को। यही बता दे, जिस तरह से आज ज्ञानव्यापी पर करीब लंच के बाद फैसला आ रहा था, मगर ये फैसला सुबह ही आ गया है और जैसे कि सर्वे पर जो रोक लगाई गई थी वो पूरी तरह से हटा दी गई है। जिस तरह से एएसआई ने यहाँ पर अपना एफिडेविट दिया था जिसमें कहा था कि जीपीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम यहाँ पर सर्वे करेंगे और किसी प्रकार की बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त यानी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिसके बाद कोर्ट ने भी ये माना है कि जब खुद एफिडेविट एएसआई दे रहा है और बात कह रहा है कि किसी प्रकार के नुकसान नहीं होगा बिल्डिंग का, तो इसमें सर्वे कराने में कोई नुकसान नहीं है, जिसके बाद आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर याचिका खारिज करते हुए और इसको मंजूरी दे दी गई है। जी अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर बात यहाँ पर दलीलों की रखिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी उसे यहाँ पर खारिज कर दिया गया है
और एएसआई के डायरेक्टर द्वारा भी जो शपथ पत्र यहाँ पर दिया गया था उसमें साफ बताया गया है कि हम एक हफ्ते के अंदर किस तरीके से पूरा सर्वे जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। जी बता दें, जिस तरह शपथ पत्र दिया गया है कि जो भी बिल्डिंग के आसपास प्रतीक चिन्ह है और जो अन्य चीजें हैं उनका सर्वे एक हफ्ते में कर लिया जाएगा और जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। मगर आज हिंदू पक्ष के वकीलों का भी कहना था कि जो फैसला आया है उससे मुस्लिम पक्ष संतुष्ट नहीं होगा और वो पक्का सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जिसके लिए उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है ऐसे में चुनौती देता है हाईकोर्ट के फैसले को, तो वहां पर भी वे इसके लिए तैयार है। जी बिल्कुल लौटूंगी सैयद आपके पास। धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल अब ये बहुत बड़ा अपडेट इस खबर पर आया है क्योंकि ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर पहले जब वो सर्वे शुरू हुआ उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगाने के बाद उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट, ताकि मुस्लिम पक्ष अपना जो वक्तव्य वो रख सके, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ ये ट्रांसफर किया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज का ये फैसला काफी कुछ इस पर निर्भर है क्योंकि रिपोर्ट के बाद काफी कुछ आगे की स्थिति जो है वो क्लियर होगी। देखिए अंजलि, जिस तरीके से लगातार मुस्लिम कोर्ट की बात की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने की बात कही और दो दिन का उनको स्थगन आदेश देते हुए हाईकोर्ट के लिए उनका रुख जो है मुस्लिम पक्ष ने अपनाया हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो कहीं ना कहीं कई मायने में हिंदू पक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा था लगातार वाराणसी में जो सर्वे हो रहा है उसके साथ साथ सर्वे की जो टीम रही है, जो सर्वे के डायरेक्टर रहे एएसआई टीम के, उनको भी हाईकोर्ट ने तलब किया, उनसे भी जाना कि किस तकनीकी और किस तरीके से किस चीजों का उपयोग किया जाएगा जिससे कि ज्ञानवापी जो परिक्षेत्र है उसमें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। तो उसमें एएसआई के डायरेक्टर ने स्पष्ट रूप से सारी चीजों को उन्होंने रखा कि किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे पहुंचाए बिना वाराणसी जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है उसका पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा। तकनीकी सिस्टम, कार्बन डेटिंग सिस्टम, जो रडार सिस्टम है उससे ज्ञानवापी परिक्षेत्र का पूरा सर्वे करके, और जरूरत पड़ेगी तो वाराणसी जिला कोर्ट ने लगभग 10 मीटर खुदाई का आदेश दिया है जिससे कि जो मिट्टियां हैं उसकी निकाल के देखी जा सकेंगी और उसको तकनीकी का उपयोग करके ये स्पष्ट किया जा सकेगा कि क्या वो ज्ञानवापी परिक्षेत्र जो है जिस चीज का हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है वो कैसे सिद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं एएसआई के डायरेक्टर ने इन चीजों को रखा, पहली बात। दूसरी बात अंजलि, मैं बताना चाहूंगा, मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से लगातार दावा कर रहा था कि एएसआई सर्वे होने से ज्ञानवापी परिक्षेत्र डिस्टर्ब होगा, वो चीजें सिरे से हाईकोर्ट ने खारिज किया और हाईकोर्ट खारिज करने के बाद स्पष्ट निर्देश दिया कि एएसआई सर्वे कराया जाएगा। और वहीं हिंदू पक्ष की अगर बात मैं करूं तो हिंदू पक्ष ने स्पष्ट इन चीजों को पहले ही अपने बिंदुओं में रख दिया था। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने, उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि अहम बिंदु ये है कि हम तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल करके जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है वजू खाना छोड़कर उसका पूरा सर्वे कराएंगे और सर्वे से स्पष्ट होगा कि जो दावे कर रहे हैं दोनों पक्ष उसमें कितने तथ्य सही निकलते हैं और क्या होगा, तभी आगे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग कार्रवाई है वो प्रारंभ होगी। अंजलि, आपके पास हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ गई हैं, एडवोकेट है हमारे श्रृंगार गौरी पक्षकार, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार रंजना अग्निहोत्री जी, क्योंकि आज का जो ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसे आप किस तरीके से देखती हैं? एएसआई सर्वे अब फिर से यहाँ पर शुरू होगा और अब हम ये मानकर चले कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। बिल्कुल सही, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पे आया है और एएसआई के डायरेक्टर ने पूरी बात माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कही थी और उन्होंने कहा था कि एएसआई सर्वे और जीपीआर सर्वे से वहां पर किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा जो एरिया सील्ड है उसको छोड़ के पूरे भाग का जिसमें एप्लीकेशन दी गई थी कि एएसआई का सर्वे जीपीआर सर्वे हो, तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी है। और मुझे नहीं लगता कि सर्वे में अगर एएसआई ने एफिडेविट दिया है कि किसी चीज को कोई नुकसान होगा तो कोई नुकसान होगा। इससे ये जरूर है जो बातें सत्य अभी छुपे हुए हैं वो वैज्ञानिक रूप से तथ्य समाज के सामने उजागर होकर आ जाएंगे, इससे कि मुकदमे की जो आगे की कार्यवाही है उसमें हमें और आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल रंजना जी, लेकिन इससे पहले भी जब हमें याद है जब सर्वे शुरू हुआ था और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था तो उस दौरान इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें अपना पक्ष रखने का समय यहाँ पर नहीं दिया गया है और वहां पर एएसआई की तरफ से किसी तरीके की जो खुदाई है वो यहाँ पर ना हो।
हालांकि ये चीज अगर शायद उस समय हो जाती तो 4 अगस्त तक तो ये रिपोर्ट जो है वो शायद कोर्ट के समक्ष भी पेश हो जाती है, लेकिन इसमें डिले हुआ इसकी वजह से। बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि अगर ये सर्वे हो गया होता तो कल रिपोर्ट सबमिट हो जाती। एक बार जो मुस्लिम पक्ष ने कही थी कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, उन्हें जिला अदालत में भरपूर सुनवाई का मौका दिया गया। तत्पश्चात उस आदेश के विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में भी अपनी बात कही, वहाँ भी उन्हें सुना गया, 2 दिन का स्थगन आदेश पारित किया गया और माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी पूरी बात कही, पूरी बात उनको सुनी गई और कोई भी एएसआई के द्वारा कोई भी क्षति वहाँ खुदाई नहीं होने जा रही। ओनली जीपीआर सर्वे और एएसआई का सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी, वो साइंटिफिक मेथड है, उससे जो भी चीज आएगी सामने आएगी और इनको तो पूरा मौका मिला सुनवाई का। बिल्कुल, अगर ये अभी संतुष्ट है तो ये जाने, इनका काम जाने। बिल्कुल रंजना जी, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली होगी क्योंकि वहां पर ऐसे कुछ चीजें हैं, अभी हमने हाल फिलहाल मुख्यमंत्री का भी बयान यहाँ पर सुना था और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वहां पर जो मूर्तियां हैं वो हमने तो रखी नहीं है, वहां पर जो चीजें मिल रही है, जिन बातों का जिक्र हो रहा है वो सदियों से पुराना है और ये ऐतिहासिक पहल तो बल्कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जानी थी कि ऐतिहासिक जो यहाँ पर त्रुटियां हुई है उसे यहाँ पर सही किया जाना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वहां पर सही सर्वे हो रहा है तो शायद मुस्लिम पक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए, ये वजह यहाँ पर समझने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात जो नंदी महाराज, जिनका बार बार जिक्र होता है, जो सालों से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव का, उस पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि अभी उस एरिया का शायद सर्वे जो है वो नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी जिसे वो फुहारा बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष। देखिए बिल्कुल सही बात यही है कि सर्वे अगर हो जाएगा, एएसआई का सर्वे और जीपीएल सर्वे हो जाएगा तो कम से कम उस जो मूर्तियां निकल रही हैं और जो हिंदू प्रतिष्ठान में पाए जा रहे हैं उनकी आयु का निर्धारण हो जाएगा कि वो किस साल की हैं, है ना, किस साल की हैं, अनादि काल की हैं, कि मुस्लिमों द्वारा बनवाई गई है, कौन सा मटीरियल यूज हुआ है, सारी चीजें रिपोर्ट जो आएगी वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों को आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये इतना जरूर स्पष्ट है कि सत्य तो कुछ है ही है, उस सत्य को आप छिपा रहे हैं और आप जानते थे, मुस्लिम पक्ष पूरा जानता था कि यहाँ क्या क्या चीजें, क्योंकि वहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग ही जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, हिंदुओं का तो कोई व्यक्ति नहीं जाता था। तो एएसआई की बात अगर वो साइंटिफिक सर्वे हो जाएगा तो इनका कोई नुकसान नहीं, हाँ इनका नुकसान जरूर है कि इनका झूठ और इनकी पुलिस खुल जाएगी। जी रंजना जी, क्योंकि आखिरी सवाल भी मैं आपसे बस पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी अब क्या विकल्प जो है वो यहाँ पर रहते हैं ताकि कम से कम एएसआई सर्वे में कोई विघ्न ना पड़े, क्योंकि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर रुक किया गया, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पर सुना दिया है, एएसआई सर्वे फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन शाम तक कुछ यहाँ पर अपडेट आ सकता है या मुस्लिम पक्ष इसको लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी मुस्लिम पक्ष के लिए खुला है और सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जाएगा, हम भी अपनी वहाँ बात रखेंगे, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता किसी के लिए बंद नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। कुछ बयान आ रहे हैं, सुनते हैं। कि ज्ञान बापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और आज वह मार्ग प्रशस्त होते सनई सनई दिख रहा है, सत्य परेशान हो सदा पराजित नहीं, प्रदक्षिण क्यों किम प्रमाणम। मुस्लिम पक्ष कह रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, उनके पास कानूनी विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट का वो भी खुला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत आएगी, इस मार्चन आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वह बिल्कुल कर सकते हैं, उनको अधिकार है, सबको अधिकार है इस देश में जो है सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सच है वही तो होगा ना, जो सच्चाई हमारे संघ चक्र गदा त्रिशूल जो मिले हुए ओम और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, हमारे जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है और हमारे जो शिव जो मूर्तियां हैं शिव की, उनको छेनी हथौड़ी से जो तोड़े गए हैं, प्लास्टर पेरी से हमारे साथ हिंदू साक्षियों को मिटाने का प्रयास हुआ है, हमारे देवी देवताओं को साक्षियों को मिटाने का प्रयास हुआ है, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हमारे अधिवक्ता माननीय पूज्य विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी सारे साक्षियों में रखेंगे, वहां भी हमारी जीत होगी। ठीक है, लेकिन जो सर्वे को लेकर रणनीति होगी, जो ब्लूप्रिंट होगा वो तो आप लोग तैयार करेंगे ना, कि कितने लोग अंदर जाएंगे, घंटे का सर्वे होगा, कितने दिन पूरा करेंगे, कुछ रणनीति तैयार किया? हाँ बिल्कुल तैयार, माननीय न्यायालय के आदेश से केवल 4 अधिवक्ता, जो 4 वादी महिलाएं उनके साथ 4 उनके अधिवक्ता ही रहेंगे और कोई भी नहीं, मैं स्वयं हिंदू। कितनी टीम रहेगी? एएसआई टीम 51 थी, शायद और बढ़ने के, त्रिपाठी से मेरी बात हुई कि थोड़ा और जल्दी करिए, और संख्या बढ़ाएंगे और मशीनें लेंगे, नहीं 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 और बढ़ने की संभावना है, लेकिन एएसआई टीम है और
यह डेट जो 4 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम भी कैविट जांच दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब कि जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। मतलब आज आप कैविट दाखिल करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारी पक्ष मानी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना जाए, हम हर पल रहेंगे और सत्य सत्य की ही विजय होगी। इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये भी कि कल शुक्रवार को यहाँ पर सुन रहे थे, एक मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रुख कर सकता है और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर जाना वहां पर पड़े। लेकिन एएसआई सर्वे, जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, अब समय ने एक मौका उनको और दिया है। बड़ा दिल करना चाहिए, बड़ा मन करना चाहिए, मुस्लिम समाज को खुद पहल करनी चाहिए, 4 कदम आगे आकर और सच्चाई को स्वीकार करते हुए, जन भावनाओं का आदर करते हुए उनको अपने आप को इस प्रकरण से पीछे खींच लेना चाहिए अपने आप को। क्या लगता है सर, ये बार बार साक्ष्य मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग याचिकाएं कर करके भ्रमित करते हैं? नहीं, गुमराह कर रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि जो लोग बार बार गुमराह, आप प्रमाण की बात करते हैं, आप कभी वहां जाइए और भगवान नंदी किस तरफ देख रहे हैं और वहाँ जो प्रमाण हैं, वहाँ की जो दरो दीवार है, वहाँ जो निशान है हमारे हिंदू वर्ग की, भगवान शंकर से जुड़ी हुई जो निशानियाँ हैं, वो किस ओर इशारा कर रही हैं, किस बात का प्रमाण है वो? और इसके बाद भी जानबूझकर विवाद पैदा करना, ये बहुत गलत है। माननीय न्यायालय इसको तेजी से संज्ञान ले रहा है, हम लोग अभिनंदन करते हैं और पूरे देश के सामने बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी, एक एक सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हिंदू पक्षकारों का क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में एएसआई सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्ग्यूमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशन थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में, स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। और ये समझिए कि हिंदू पक्ष की आज जीत हो गई, भले ट्रायल बाकी है इस केस का, लेकिन आज जीत तो हो गई। पूरी तरह से ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, कारण कि एएसआई ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों की फायदे की बात है, और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है, मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है, और आदि विश्वेश्वर मंदिर का, भव्य मंदिर का रास्ता आज से प्रशस्त हो गया। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन क्या क्या होंगे? अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस केस में कुछ लीगल लैकुना नहीं है, मुझे लगता है कि सब सही है। ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था, और उसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन 24 जुलाई को फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई, और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और ये कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सैयद मोहम्मद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर और साथ ही धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, लेकिन अब बस विकल्प मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने तक का बचता है, लेकिन अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट एएसआई की तरफ से जारी किया गया उसमें साफ कह दिया गया है कि कोई तोड़फोड़ जो है वो नहीं होगी और होगी भी तो वो हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट है उनसे पूछकर होगी। लेकिन अब सवाल यहां पर ये कि अब बस एक हफ्ते का इंतजार और उसके बाद हो सकता है कि रिपोर्ट जो है वो सबके समक्ष आए। जी बता दें, जैसे कि पहले ही एएसआई ने एफिडेविट दिया था और उसमें पहले ही दिन उसने ये सारी बातें स्पष्ट कर दी थी कि किसी प्रकार की खुदाई मस्जिद में नहीं होगी और जिसके लिए नहीं होंगे, और लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से पक्ष रखा जा रहा था कि एएसआई कुदाल और फावड़े लेकर पहुंची थी और जिससे उनको डर था कि वहां मस्जिद में खुदाई होगी, इस तरह की चीजें कोर्ट में रखी थी और कहा गया था कि माइनर स्टेज है, इस पे सर्वे नहीं होना चाहिए, यही तथ्य रखे जा रहे थे बार बार, जिसको आज कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है और कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर फैसला दिया है और कहीं ना कहीं आज से सर्वे होगा। इसके बाद ये पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वहां पर क्या था क्या नहीं था और किस तरह से जो भी इसमें त्रुटियां हैं वो सारी चीजें साफ होके स्पष्ट होके सामने नजर आएगी। मगर हाँ, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, सैयद मोहम्मद आमिर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।